Many greetings to all in one and only your educational platform Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. Hello everyone, welcome back to my channel. This is part number 8 of chapter number 11, Directing. This is the last part of this chapter. इसमें हम पढ़ेंगे barriers to communication and overcoming barriers of communication. So let's begin. Barriers होती क्या हैं, जो hurdles आती हैं, हम किसी से communicate करते हैं बीच बीच में hurdles आती हैं, like कभी noise होती है background में, हम ठीक से किसी से बात नहीं कर पाते, कभी हमारे ऊपर pressure होता है किसी काम का तो हम बात नहीं कर पाते किसी से. सो ये सब इसके कीवर्ड्स हैं. सेवरल ऑब्स्ट्रक्शंस, बॉटलनेक्स, हर्डल्स और ब्लॉकेड्स हिंडर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. दीज आर कॉल्ड बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो नंबर वन इज फिजिकल बैरियर. कम्युनिकेशन क्या होता है, टू वे प्रोसेस होता है और जो डिस्टेंस होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ये एक इम्पॉर्टेंट बैरियर है. कभी कभी इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस होती है, नॉइज होती है, तो ये फिजिकल बैरियर होते हैं. और जब हम टेलीफोन पे किसी से बात करते हैं तो नॉइस या फिर कभी मैकेनिकल डिफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये बैरियर्स हैं. कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस. डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज इज़ एन इम्पॉर्टेंट बैरियर. नॉइस एंड एनवायरमेंट डिस्टर्बेंस आर अदर फिजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन. अ टेलीफोन कन्वर्सेशन में नॉट बी इफेक्टिव ड्यू टू हाई लेवल ऑफ नॉइज और मैकेनिकल डिफेक्ट. नंबर टू इज सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर. कई बार ऐसा हम ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं जो दो लोग अलग अलग समझते हैं उसको, किसी की लैंग्वेज में उसका मतलब कुछ और होता है और किसी के लैंग्वेज में कुछ और होता है, तो ये भी बीच में हिंड्रेंस आ जाती है, ठीक है, कि एक पर्सन उसका मीनिंग कुछ और समझ और दूसरा पर्सन उसका मीनिंग कुछ और समझता है. सो दिस इज सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर. द सेम वर्ड में कन्वे डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल. People interpret words and symbols in terms of their own experience and thinking. And receiver interpret the message differently. Misunderstanding arises. इससे क्या होता है, misunderstanding हो जाती है. In some cases the receiver may not understand language used by the sender. और कुछ cases में ऐसा भी होता है जो receiver है वो sender की language नहीं समझ पाता. I hope too clear. नंबर थ्री स्टेटस बैरियर. जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशन होता है, इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑब्स्ट्रक्ट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. अ मैनेजर में कन्वे ओनली सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन टू हिज सबॉर्डिनेट सो एज टू मेंटेन स्टेटस डिफरेंस. जो मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन ही बताता है ताकि उनका स्टेटस डिफरेंस मेंटेन रहे, ठीक है. ही मे फील डैट इफ ही कम्युनिकेट्स प्रॉब्लम और रिजल्ट विच रिफ्लेक्ट हिज एबिलिटी एंड जजमेंट His position as superior would undermined. Similarly, subordinate tend to convey those which the superior would appreciate. ऐसे ही subordinate भी अपने superior को सिर्फ वो information share करता है जिससे वो उसको appreciate. Thus, status creates filtering and distorts downward and upward communication. Number four, organizational barrier. Organization structure जो होता है वो complex होता है. Several layers होती हैं management की. जब एक department से दूसरे तक बात पहुँचानी हो, फर्स्ट ने सेकंड डिपार्टमेंट को बोला, जो बस सेकंड डिपार्टमेंट से थर्ड डिपार्टमेंट पर जाएगी, ज़रूरी नहीं है जो फर्स्ट ने बोला, ज़रूरी नहीं है कि वही सेम बात थर्ड डिपार्टमेंट तक भी पहुंचे. ऐसे भी हो सकता है कुछ बात रह जाए, ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ मैसेज भी उनके पास पहुंचे. क्लियर. सो दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग सेवरल लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट, ब्रेकडाउन और डिस्टॉर्शन इन कम्युनिकेशन में अराइज. Due to long line of communication, flow of information gets delayed and distorted. Every layer of authority cuts off a bit of information. Authority की जो हर layer है वो कुछ ना कुछ information cut कर देती है, particularly in upward communication. Due to specialization, every department is more concerned about their own interest and needs and does not appreciate the problems of other department. Specialization की वजह से लोग क्या करते हैं, पहले अपना interest देखते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरे की प्रॉब्लम. और ज़्यादातर तो यही होता है कि दूसरे की प्रॉब्लम्स को अप्रिशिएट नहीं किया जाता. आई होप दिस फोर क्लियर.
नंबर 5 प्री मैच्योर इवेल्युएशन। कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना सुने पड़े ही बीच में ही जजमेंट दे देना, अपना पूरी बात कंप्लीट नहीं हुई पहले ही अपना जजमेंट दे दिया, तो इससे क्या होता है कम्युनिकेशन में फिर से हिंड्रेंस आ जाती है। तो हमें पहले पूरा सुनना चाहिए दूसरे की बात को, उसके बाद ही कुछ बोलना चाहिए। सम पीपल आर इन हैबिट ऑफ फॉर्मिंग अ जजमेंट बिफोर रीडिंग लिसनिंग द एंटायर मैसेज, तो इसको बोला जाता है प्री मैच्योर इवेल्युएशन। इट डिस्टॉर्ट अंडरस्टैंड and makes communication ineffective. Now number 6, other barriers. A number of other factors may also disturb communication. There are many other factors which disturbs communication like lack of time. किसी के पास कम समय communicate कर रहे हो, जल्दी जल्दी करेगा और बीच की कुछ, और ऐसा हो सकता है कि बीच की कुछ बात भूल भी जाए, ठीक है। Pressure of work, unclarified assumptions, badly expressed message, communication overload, wrong translation etc. may also cause obstruction in the free flow of information. So these are 6 barriers to communication. Number 1 is physical barrier, number 2 semantic or language barrier, number 3 status barrier, number 4 organizational barrier, number 5 premature evaluation, and last number 6 other barrier. Overcoming barriers to communication, ab inko dekhte hain. नंबर 1 इज़ वेल ड्राफ्टेड मैसेज। मैसेज जो है वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए ताकि बैरियर्स ना आए कम्युनिकेशन। द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू नो द ऑडियंस फॉर हुम द मैसेज इज मेंट। द मैसेज शुड बी एडुकेट एंड अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 2 प्रॉपर लैंग्वेज। प्रॉपर लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए और सिम्बल्स भी वो यूज़ करने चाहिए जो रिसीवर है उसको भी उसका मतलब पता हो, उसकी और उसको भी वो लैंग्वेज आती हो, वही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, सिंबल भी जो रिसीवर की थिंकिंग से मैच होते हो, क्लियर। द मैसेज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल एंड ईजली अंडरस्टूड लैंग्वेज। द वर्ड एंड सिंबल यूज टू कन्वे द मैसेज शुड मैच द रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर। दिस विल हेल्प टू मिनिमाइज द सिमेंटिक बैरियर। होगा सिमेंटिक बैरियर मिनिमाइज होगा। नंबर 3 इज टू वे कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेटर है जो बोल रहा है और जो कम्युनिकेटी है जो सुन रहा है और यू कैन से जो रिसीवर है, दोनों को पार्टिसिपेट करना चाहिए कम्युनिकेशन में, यानी सिर्फ सेंडर कर रहा है, ठीक है, रिसीवर को भी करना चाहिए। द कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिकेटी बोथ शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इट शुड बी अ टू वे ट्रैफिक इन्वॉल्विंग बोथ टेलिंग एंड लिसनिंग। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हेल्प टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। नंबर 4 मोटिवेशन। जो मैसेज है वो ऐसे ड्राफ्ट किया होना चाहिए कि वो रिसीवर को मोटिवेट करे ताकि उसको जो एक्शन लेना है वो सही डिजायर्ड एक्शन ले, ठीक है। द मैसेज शुड बी सो डिजाइन एज टू मोटिवेट द रिसीवर टू टेक द डिजायर्ड एक्शन। अ सेंस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस शुड बी डेवलप टू प्रमोट फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। नंबर 5 इज ग्रेप वाइन। इन अदर वर्ड्स यू कैन से जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वही ग्रेप वाइन होता है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेप वाइन। इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूज इंटेलिजेंटली टू सप्लीमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन। मल्टीपल चैनल शुड बी यूज। नाउ लास्ट नंबर 6 फीडबैक। कम्युनिकेशन इज कम्प्लीट वैन द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर बिकम नोन टू द सेंडर। कम्युनिकेशन कब कम्प्लीट होता है? जब रिसीवर का रिप्लाई आ जाए सेंडर के पास और सेंडर को पता लग जाए रिसीवर का क्या रिस्पॉन्स है इस बात पर या फिर क्या उसका रिएक्शन है, ठीक है। देयरफॉर द रिसीवर शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस हिज रिएक्शन। द फीडबैक शुड बी एनालाइज्ड एंड यूज्ड टू इम्प्रूव फ्यूचर कम्युनिकेशन। सो दीज आर 6 ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इनको भी एक बार से रिवाइज करते हैं। नंबर 1 इज़ वेल ड्राफ्टेड मैसेज, नंबर 2 प्रॉपर लैंग्वेज, नंबर 3 टू वे कम्युनिकेशन, नंबर 4 मोटिवेशन, नंबर 5 ग्रेपवाइन, एंड लास्ट नंबर 6 इज फीडबैक। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। आज हमारा ये चैप्टर कम्प्लीट हो गया है, अब हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। टिल देन कीप स्टडिंग।